महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे तीनों दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शपथ से पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान होगा। आपको बता दें, जहां शपथ ग्रहण समारोह 6:40 पर रखा गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे आज शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार के पहले ऐसे सदस्य होंगे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी ओर जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है तीनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच, उसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा किया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर कल जो बैठक बुलाई गई थी उसमें बात नहीं बनी थी, लेकिन क्या अब एकमत होते नजर आ रहे हैं तीनों पार्टी के नेता? हमारे साथ विकास श्रीवास्तव शरद पवार के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, और पंकज मिश्रा जो कि लगातार शिवाजी पार्क में डटे हुए हैं और वहां क्या कुछ हलचल हो रही है उसके बारे में हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकास, पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये उप मुख्यमंत्री को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था, क्या वो सुलझता नजर आ रहा है? खबर तो ये भी है कि अजित पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे। बिल्कुल, अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन सारी कशमकश जो है इसी बात को लेकर अटकी हुई है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके नाम पर किसका चयन होता है ये देखना होगा। अजीत पवार चाहते हैं वो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन शरद पवार की इच्छा कुछ और है, और इसी वजह से ये मुद्दा जो है लगातार खींचता जा रहा है। लेकिन दूसरी जो अहम जानकारी है अक्षय, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि तीनों ही दल, तीनों ही पार्टियां मिलकर 4 बजे एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और इसमें ये अपने पार्टी के बीच तय हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को साझा करेंगी। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि अब तीनों पार्टियों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर कोई वैमनस्य नहीं है, आम सहमति बन चुकी है, और उसके बाद से ही ये शपथ ग्रहण विधि जो है ये संपन्न की जाएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम है, जिसमें ये तीनों ही पार्टियां अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश करेंगी कि हर मुद्दे पे उनके बीच में आम सहमति बन चुकी है। लेकिन इससे बाहर है मंत्रिमंडल का बंटवारा, उसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, एनसीपी के भीतर भी, कांग्रेस के भीतर भी। हो सकता है कि इसमें इसको साफ होने में 2 से 3 दिन का वक्त और लग जाए। जी अक्षर, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, शिवाजी पार्क तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है, भव्य स्टेज बनाया गया, लेकिन स्टेज में कौन कौन से चेहरे शुमार हो सकते हैं? प्रियंका वाड्रा को भी बुलाया गया, सोनिया गांधी को बुलाया गया, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से अभी हामी नहीं भरी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले हमने जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की है, जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनका कहना था कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके अलावा कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुँचेंगे। सोनिया गांधी को खुद आदित्य ठाकरे ने निमंत्रण दिया है जाकर, मनमोहन सिंह को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कुछ हामी नहीं आई है, उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे। एक बार फिर से अक्षय आपको मैं भव्य स्टेज दिखा देता जो अपने आप में चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टेज को खास जो आर्ट डायरेक्टर है, जिन्होंने जोधा अकबर जैसी फिल्म में सेट बनाया था, जिन्होंने लगान फिल्म में सेट बनाया था, नितिन देसाई, उन्होंने इस स्टेज को डिजाइन किया। आप देख सकते हैं किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले होते हैं उन किलों के स्वरूप में इस स्टेज को सजाया गया है, पीछे एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, और अभी भी इस स्टेज को सजाने का काम लगातार चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल के लिए एक ऐतिहासिक और भव्य स्टेज यहां पर तैयार किया जा रहा है। शिवाजी पार्क, अक्षय बता दूं आपको, शिवाजी पार्क का बेहद अहम स्थान है शिव सैनिकों के मन में, क्योंकि इसी शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई थी, यानी कि उनके उन्हें पंच तत्वों में विलीन किया गया था, और यहीं पर उनकी स्मारक यानी कि स्मृति स्थल भी बनाई गई है। मराठी में क्या लिखा हुआ है? शिव सैनिकों का सपना था, शिव सैनिक चाहते थे कि इसी, देखिए ये जो शिवाजी महाराज के किले पर जो जो पुराने भाषा में जो लिखी होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं किले का जो स्वरूप दिया जा रहा है उसी स्वरूप को दिखाते हुए ये यहाँ पर ये जो झांकी है वो बनाई गई है। तो फिलहाल इस स्टेज को किले का स्वरूप देकर और उसी तरह से इसको सजाया जा रहा है, देख सकते हैं किस तरह से फूलों से इसको सजाने का काम जो है वो चल रहा है।
तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बाला साहेब थोरात कांग्रेस के हो, चाहे एकनाथ शिंदे शिवसेना के हो, ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्टेज का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पहली बार कोई ठाकरे और इसे भव्य और इसे यादगार बनाने की पूरी कोशिश देखने को मिल रही है शिवाजी पार्क में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मुंबई के दादर में बाल मोहन विद्या मंदिर है, जहां पहली से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई उद्धव ठाकरे ने पूरी की थी। आज उनके मित्रों से हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे ने खास बातचीत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे और इसी के साथ यदि हमने उद्धव ठाकरे का राजनैतिक सफर देखा है, लेकिन उनकी स्कूली जिंदगी कैसे रही उस पर हम ध्यान देते हैं। दादर के इस जगह पर मौजूद है, स्कूल का नाम है ये बाल मोहन का विद्या मंदिर, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने 10 साल तक पूरी पढ़ाई यहाँ पर की। उनके जो साथीगण है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ में यदि बात करें जयंत पाटिल की, तो जयंत पाटिल के भी मित्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम एक एक से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आते हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन होंगे, उद्धव ठाकरे को आप किस तरीके से जानते हैं, कैसा रहा आपका स्कूली सफर उनके साथ? उद्धव ठाकरे बहुत ही शांत स्वभाव के थे, शांत सुशील स्वभाव के थे। कभी भी उन्होंने ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैं बाला साहब का लड़का हूँ, और हम एक पच्चे फ्रेंड छोड़ के और किसी को मालूम भी नहीं था कि ये बाला साहब का लड़का है, इतना वो शांत और सुस्वभावी थे। लेकिन अब यदि उनके भाषण आप सुनेंगे, आप तो पहले से तो काफी उग्र भाषण, अभी आक्रामक हुए लेकिन बहुत ही बदलाव हुआ है उनमें। अच्छा, ऐसा कौन सा अनुभव होगा सर कि आप लोग तो एक थाली के चट्टे बट्टे रहे लाते थे? वो जब भी उनके घर का टिफिन लाते थे तो सबको शेयर करने को देते थे वो, और इन पहले से ही उनको आदत है कि सबको साथ में लेके चलना है, वो जो आज दिखाई पड़ रहा है वो। बेहद अलग जिंदगी होती है जयंत पाटिल के साथ में, आपने जो वक्त है वो बिताया है, तो कैसे रहे वो अनुभव, क्योंकि अब जो मंत्री पद की वो शपथ लेंगे वो अपने आप में खास है। जयंत जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जयंत जी खुद बहुत होशियार है और पढ़ाई में भी स्कूल में बहुत तेज थे। तो और अपडेट आप तक न्यूज नेशन पहुंचाता रहेगा, आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।